90% लोगों को लगता है कि औरतें फेमिनिज्म को मिस इंटरप्रेट करती है। कि लेडीज हमारे इस मंच पे यहाँ पे तीन औरतें हैं जी। इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट वन ऑफ यू टेल्स अस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म फॉर यू। See, for me, there are two kinds of people. There are people who take this word in a very negative sense. There are people who take this in a very positive sense. I am somebody who keeps it in a very positive sense. A woman being equal, standing for her rights, voicing them out, and fighting her battles by herself. That is my definition. Perfect. What do you think? Feminism was a movement that had started recently, basically because women were empowered. इन सो मेनी वेज और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज भी बने थे जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन बन गया था। बट आई ऑल्सो फील कि जो वुमेन ये फेमिनिस्ट कार्ड लेके फिर दे काइंड ऑफ यू नो मिस यूज इट दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज कहीं ना कहीं वो लड़ने शुरू करते हैं मैन से एंड नॉट ऑल मैन आर लाइक दैट और फिर वो मेल बैशिंग हो जाती है। सो देयर इज वेयर यू नीड टू ड्रॉ द लाइन एंड ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि हम जो औरतें बनी हैं दे वर नॉट मेंट टू रिप्लेस मैन। Okay, they were meant to complement. Wonderfully put by Terence. So, hum log dekhe kya hai ladies ka average score. That's a high number. Gentlemen, wow, 70%. Jay, aapse shuru karte hain. Aapki kya raaye? फेमिनिज्म जब तक आप अपने राइट्स के लिए कर रहे हैं तब तक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन जहां वो कंपटीशन में आ जाता है कि मुझे मर्दों से बेटर करना है, मुझे उनको पीछे छोड़ना है और एक छोटी मोटी झगड़े के लिए भी है ना, वो फेमिनिज्म का कार्ड ऐसा ही निकालते हैं जैसे उनके पास कोई त्रिशूल हाथ में आ गया और वो कुछ भी कर सकती हैं एंड यू नो उसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो शक्ति इसलिए दी है सो दैट यू यूज इट फॉर द राइट पर्पस, लेकिन अब वो उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। अभी एक रिसेंटली एक वायरल वीडियो भी हुआ था जहाँ पर एक डिलीवरी बॉय के ऊपर यू नो एलिगेशंस हुए थे एंड आई वाज फीलिंग सो बैड। वो तो भला है कि उसके पास कुछ प्रूफ्स थे कि वो बच गया, नहीं तो वो आदमी जिंदगी भर ना कहाँ काम मिलता था, ना कोई जॉब्स मिलती थी, ना कुछ होता था। बस वही मेरा है कि जो फेमिनिज्म जो चीज जो अभी चल रहा है कि भैया मतलब नहीं, नहीं, वो चल नहीं रहा है। सबने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक डेफिनेशन बना ली है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, यू नो ये अच्छी चीज है लेकिन उसको अगर अच्छी तरह से यूज करो तो डेफिनेटली इट्स फैंटास्टिक। आई पर्सनली फील ये जो आपने 70% दिया है इसमें से हो सकता है कि 15-20% मे बी उस चीज का गलत फायदा उठाते हो, पर उसमें से जो 50% होता है वो हो सकता है कि सही में किसी भी चीज के लिए यू नो सफर कर रही हो या उन्होंने वो चीज अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैं एक अपनी लाइफ की एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ। हमारे वहाँ पे बहुत अच्छे मैथ्स टीचर थे, वो सब वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जाते थे, मेरी दो बेस्ट फ्रेंड भी जाती थी एंड सडनली वो एक हफ्ता जाने के बाद उन्होंने जाना बंद कर दिया। एक हफ्ते के बाद मैं गई एंड देन ही मिसबिहेव्ड विद मी एंड ही वॉज अराउंड 55-60 ईयर्स ओल्ड और मैं तभी 16-17 साल की होंगी। बट तब तक मुझ में थोड़ा करेज था, मैं घर जाके मम्मी को मैंने बताया, फिर हम सर के घर पे गए, कंप्लेन किया उनकी बीवी को, सब बताया, सब हो गया। बट आई रियली वांटेड टू टेक सम स्ट्रांग एक्शन क्योंकि मेरी दो फ्रेंड थी, शायद उनके साथ भी हुआ होगा इसलिए उन्होंने छोड़ा होगा, पर उन्होंने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी बिकॉज दे मस्ट हैव फेल्ट कि पता नहीं सोसाइटी क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। माई फैमिली ऑल्सो थॉट द सेम राइट, इसलिए वो पुलिस के पास नहीं गए या कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया। बट आज अगर मुझे लग रहा है कि वो गलत हुआ था बट तब मैं नहीं ले पा रही थी बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, एवरीथिंग, पर आज मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरे लिए खड़ा होना है और मुझे एक्शन लेना है। व्हाट डू यू कॉल इट? यू कंप्लीटली राइट, द ट्रुथ, यू हैव राइट टू फाइट एंड राइट टू जस्टिस। बट आई थिंक ये सोसाइटी और ये सारे पेरेंट्स के लिए भी एक एडवाइस है कि जब भी आपके बच्चे ऐसा कुछ सफर कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी हो रहा है प्लीज 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 एक्शन लीजिए। आई एम हैप्पी एंड प्राउड दैट कि आपने इतने सालों बाद यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की बात की और जिसके वजह से मुझे लगता है बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे क्योंकि आपको इतने साल लगे और आपने कहा कि तब बात नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज नहीं बात कर सकते। एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू स्पीक अगेंस्ट एनी ईविल दैट हैज हैपेंड टू यू। एग्जैक्टली। आइए देखते हैं इंडिया क्या सोचती है।
60%. Wow. I was bang on. 60. Bang on. He was right. Yeah. Well done, ladies. Aapki soch match kar gayi India ki soch se. Only on Flipkart Video. Watch, play, win now.